सोलन के सुप्रसिद्ध पर्यटन स्थल कसौली में पर्यटन व्यवसाय दम तोड़ रहा है, जिसके चलते लोन लेकर करोड़ों का निवेश कर होटल व्यवसायियों की जान पर बनाई है और लोन चुकाना तो दूर, उनको घर चलाना भी मुश्किल हो गया है। कसौली होटल एसोसिएशन ने प्रेस वार्ता कर मीडिया को जानकारी दी है कि वह पिछले एक वर्ष से बिना पानी और बिजली के होटल चलाने पर मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि उनकी बिजली पानी के कनेक्शन विभागों ने अपनी खाल बचाने के लिए काट दिए हैं। उन्होंने रोष प्रकट करते हुए कहा कि एक तरफ सरकार निवेशकों को देश और विदेश से हिमाचल में उद्योग लगाने के लिए आमंत्रित कर रही है और दूसरी ओर जो स्थानीय लोग यहां निवेश कर चुके हैं उन्हें सुविधाओं के नाम पर ठेंगा दिखा रही है। उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश सरकार जिन लोगों ने यहाँ निवेश किया है उन्हें भरपूर सहयोग दे तो हिमाचल को बाहरी निवेश की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और हिमाचल एक नई विकास की गाथा लिखेगा। वहीं इस मामले पर कसौली होटल एसोसिएशन के संरक्षक वेद गर्ग ने कहा कि जिस तरह पंजाब हरियाणा में किसान आत्महत्या कर रहे हैं उसी तर्ज पर हिमाचल में जल्द ही होटल व्यवसायी आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि कुछ रसूखदारों के कहने पर उन पर एक तरफा कार्रवाई अमल में लाई जा रही है और उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका तक नहीं दिया गया। एक वर्ष से भी ज्यादा समय से उनकी बिजली पानी के कनेक्शन काट दिए गए हैं, जिससे उनका व्यवसाय सारा चौपट हो गया है। उन्होंने कहा कि एनजीटी से जब उनका मामला न्यायालय में विचाराधीन है तो न्यायालय के निर्णय से पहले उनके ऊपर कार्यवाही अमल में नहीं लाई जानी चाहिए थी। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर ऐसे ही हालात बने रहे तो होटल व्यवसायी आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएंगे। आज कसौली के होटल्स का वो हाल हो चुका है जो पंजाब में किसानों का हाल है, वो आज कसौली के होटलों का हाल हो चुका है कि किसी समय भी कोई आत्महत्या कर सकता है। जो आज की वर्तमान स्थिति जो होटलों के साथ चल रही है वो बहुत ही नाजुक चल रही है। एक एक साल से यहाँ पर बिजली पानी के कनेक्शन काटे गए हैं, सिर्फ एक यहाँ स्पोक संस्था है उसके कारण ये संज्ञान लिया गया है, जबकि उन्होंने अपने जो यहाँ घर बनाए हैं वो भी सेक्शन 118 में परमिशन लेकर बनाए हैं और उस प्रकार की परमिशन के बावजूद भी वो स्थानीय लोगों को इतना तंग कर रहे हैं, इतना प्रताड़ित कर रहे हैं कि स्थानीय लोग यहाँ के जो लोकल रेजिडेंट हैं वो यहाँ पर मजबूर हैं। यहाँ के जितने लोग स्थानीय यहाँ काम कर रहे हैं वो भी मजबूर हैं कि वो अपनी घर बार छोड़ के यहाँ से कहीं और चले जाएं। सरकार से ये विनती करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो यहाँ पर जो लाइटें एक साल से काट रखी हैं उनको जोड़ा जाए और जब तक कोर्ट का कोई फैसला नहीं आता तब तक ये अपनी मर्जी से कोई कार्रवाई ना करें। अगर कुछ कार्रवाई करते हैं तो कोर्ट के फैसले का आने के बाद करें। एक एक साल से इन्होंने लाइटें बंद कर रखी हैं और लाइटें बंद होने के कारण यहाँ पर टूरिस्ट इतना प्रभावित हो गया है, लोगों के करोड़ों रुपए के लोन हैं, करोड़ों रुपए के लोन आज देने के काबिल नहीं है, इसलिए इस नतीजे पे पहुंच गए हैं लोग कि वो मरने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं रहा है। वहीं गांव के प्रधान राजेंद्र कुमार शर्मा ने कहा कि कसौली के विकास में यहाँ के होटलों की अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि इन्हीं होटलों से यहाँ के स्थानीय युवाओं को रोजगार मिला है, कई परिवार इन्हीं होटलों की आय से अपना घर बार चला रहे हैं, लेकिन अब इन होटलों पर एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। अगर ये होटल बंद होते हैं तो हजारों युवा बेरोजगार हो जाएंगे। वहीं होटलों की सुविधाओं के अभाव से पर्यटन व्यवसाय चौपट होता जा रहा है, जिनकी अनिश्चितता को देखते हुए युवा अब कसौली से पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ लागू टीसीपी एक्ट से गांव वासी भी इतने प्रभावित हैं कि वह अपने पशुओं तक का घर नहीं बना पा रहे हैं। स्पोक्स के जो इतने भी नुमाइंदे हैं उनकी वजह से यहाँ पर इस प्रकार की समस्या ग्रामीण लोगों को और स्थानीय मूल निवासी यहाँ के उनके लिए आई है कि आज उनकी ये हालात उनके हो चुके हैं कि अपने वो यहाँ से जो युवा वर्ग है वो इस क्षेत्र से पलायन करके दूसरे क्षेत्रों में बाहरी राज्य में जा रहे हैं। माहौल बहुत बिगड़ता जा रहा है और किसी दिन इस प्रकार की स्थिति आ सकती है कि ये स्थानीय लोग किसी एजिटेशन पे उतर सकते हैं। हमने अपने पंचायत में संज्ञान लेते हुए इस प्रकार के प्रस्ताव रजिस्ट्रार जनरल एनजीटी को और हिमाचल प्रदेश सरकार को डीसी सोलन के माध्यम से भी प्रस्ताव पास कर भेजा था कि स्पोक्स के जो पर्सन है इन्होंने गैर कानूनी तरीके से यहाँ पे अपने होटलों की तरह उन्होंने गेस्ट हाउस बनाए हुए, वो खुद बाहर फॉरेन कंट्री और दिल्ली और बड़े बड़े शहरों मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहते हैं और उनकी ऑनलाइन बुकिंग यहाँ पे होती है और जिस प्रकार से
उनके गेस्ट वहाँ पे उनकी कोठियों पे रहते हैं, उससे वातावरण आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र है जिनकी घासनी है पशु है वो उसको खा रहे हैं, और 5-7 पशु यहाँ पे मर भी चुके हैं कि वो आज अपने गौशाला और अपने छोटे छोटे मकानों को भी नहीं बना सकते। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग बहुत पहले से नियम बन चुके, तो ये संज्ञान सिर्फ स्पोक्स के कहने पे क्यों लिया जा रहा है।